देखने का शौक था, लेकिन जब हम मुंबई गए, मुंबई में मैंने देखा, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री घूमने गए, वहां मैं लोगों को काम करते देखा, उनको मिलने वाले सम्मान को मैंने देखा, तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं बुंदेलखंड में फिल्म बनाऊं। और हमारे बुंदेलखंड में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो इनको भी मैं आगे लेके जाऊं, हो सकता है इसी माध्यम से वो लोग आगे कुछ मुकाम अपना हासिल कर सके। मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हॉलीवुड इंडस्ट्री है, तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बुंदेलखंड की एक अपनी खुद की इंडस्ट्री बनाऊं, तो मैंने उसको एक बुंदेलीवुड नाम दिया। तो बस उसी में हम प्रयासरत है कि बहुत जल्द हमारे बुंदेलखंड में भी हमारी इंडस्ट्री जिसका नाम बुंदेलीवुड हो स्थापित हो। फिल्म बनाने को मैंने सोचा तो लोग बोलते थे कि ये क्या लड़का फिल्म बनाएगा, ये क्या बना सकता है। फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया, मुंबई से टीम आई और हम लोग ने शूट शुरू किया, लेकिन जब वो फिल्म नहीं आ पाई तो फिर मुझे बहुत कष्ट हुआ। मार्केट में तरह तरह के आरोप लगे, अरे हम तो जानते थे ऐसे ही होगा, नहीं आ पाएगी फिल्म, कुछ नहीं, सब ऐसे ही, सब नौटंकी है। मैंने एक बार मुंबई में ट्रस्ट किया, मैंने बिलीव किया लोगों पे, और मैंने पंक फिल्म बनाने के लिए टीम को वहाँ से बुलाया, और जो दिक्कतें मुझे बुंदेला वॉइस बनाने में आ रही थी और वो एक बार फिर से शुरू हो गई। पंक फिल्म का शेड्यूल करीब 15 दिन का था और वो 120 दिन में भी फिल्म पूरी नहीं हो पाई इस तरह की, और वो फिल्म का बजट जो 2 लाख रुपये था वो 15 लाख रुपये बन गया। तो इस तरह पंक में मुझे दिक्कत आई, लेकिन बस भगवान का ये शुक्र है कि वो फिल्म मेरी कम्प्लीट। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे भी हम लोग बहुत जल्द एक फिल्म बनाने वाले हैं, जिसका नाम फिल्म का नाम विद्या है, और हम चाहेंगे कि हम अपनी फिल्म के जरिए ऐसे मैसेज छोड़ सकें ताकि महिलाओं पे होने वाले अत्याचार रुक सके। मतलब बेटियों को वो सम्मान नहीं मिल रहा है, माँ बाप भी उनको उतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग फिल्म बनाएं और लोग देखें और अपनी सोच को बदलें, क्योंकि अब जमाना बहुत बदल रहा है। बहुत जगह देखा, आज भी जो बड़ी जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के लोगों को छूना पसंद नहीं करते, उनका दिया हुआ या छुआ हुआ सामान खाना पसंद नहीं करते, तो ये मैंने बहुत देखा है। और बुंदेलखंड में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में हो या ये कुरीति हर जगह है, कहीं ना कहीं है छुआछूत जैसी कुरीति है, तो इसको दूर करने के लिए हमने छोटा सा मार्ग किया। मेरे बड़े भाई हैं अतुल कुमार जी, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे हर कदम पर उन्होंने हर समय साथ दिया, भले किसी ने साथ ना दिया हो लेकिन वो मेरे हर कदम पर उन्होंने साथ देते चले आ रहे हैं। हालांकि पापा ने थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया है, पापा को लगता है कि मैं नौकरी करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं, बस यही है, गवर्नमेंट जॉब ही करता रहूं और अच्छे से घर पे रहूं, बस उनका ये मानना है, यही सही है। मेरा जिंदगी का सबसे खुशी का दिन ये था कि जब मेरी फिल्म खुद रिलीज हुई, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख जी की, ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है, बस मुझे टीचिंग करना ही बहुत अच्छा लगता है, बाकी बस मुझे लिखने का शौक है, गाने सुनने का भी थोड़ा थोड़ा शौक है। किस तरह के गाना सुनते हैं आप? रॉकिंग टाइप के, कुछ रोमांटिक भी। बुंदेलखंड में हमारी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर बुंदेलखंड में इंडस्ट्री हमारी बुंदेलीवुड बन जाती है तो यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं 1 रुपए मेरे पास बचे या कभी ना बचे, बस मैं चाहता हूँ यहाँ इंडस्ट्री बन जाए और यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार, बस इसी तरह से आप लोग प्यार और सहयोग प्रदान करते जाएं ताकि मैं इंडस्ट्री बनाने में सकूँ।